हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छी होंगी। और इस वक्त मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। जैसा कि मैं एनर्जी स्पीक कर पा रही हूँ, उस हिसाब से जो एनर्जीज़ मैं सुबह से पिक कर रही हूँ, एक तो गुस्से वाली कुछ डिवाइन फेमिनाइन गुस्से में है, या फिर वो अपने डीएम की करंट एनर्जीज़ हो सकता है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन के डिवाइन मस्कुलाइन जो है ना गुस्से में है, और वो डीएफ जो है ना पिक कर पा रही है। इसके अलावा डिवाइन फेमिनाइन पर फुल मून से तो ब्लैक मैजिक हो ही रहा है, लेकिन बहुत कम असर करता है। तो इस वजह से जो उनके सराउंडिंग्स पे जो लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो रहे हैं कि इतना करने के बावजूद ये थम क्यों नहीं रहा है, और वो लगातार ब्लैक मैजिक कर ही रहे हैं। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि कुछ डिवाइन मस्कुलाइन को उनकी थर्ड पार्टीज़ ये शो कर रही हैं कि वो अब उनसे कोई मतलब नहीं रख रही हैं, कोई उन्हें रिश्ता नाता नहीं रखना है। लेकिन उसके बाद भी वो उन पर किसी न किसी तरीके का ब्लैक मैजिक कंटिन्यूसली कर रही हैं, ताकि वो उनको शो कर रही हैं कि वो डिवाइन मस्कुलाइन को शो कर रही हैं कि वो उनके साथ में अटैच नहीं है, बट वो इनडायरेक्ट वे में उनके साथ में उस सारी क्रियाएं कर रहे हैं जिससे कि वो फिर से उसी एनर्जी में आ जाए। इसके अलावा मैं जो सुबह से पिक कर पा रही हूँ वो ये कि डिवाइन फेमिनाइन की इमेज को डाउन करने की कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं। और जैसे जैसे रियूनियन करीब आ रहा है, मैं कुछ जो है एनर्जीज़ को मैंने कल पिक किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि एक इमेज बन करके दिए में आई, जिसमें कि एक डिवाइन कपल डिवाइन पाथ पर जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और उनका रियूनियन हो चुका है। सरफेस लेवल पे यानी 3D वर्ल्ड में नहीं हुआ है, लेकिन उनका 5D लेवल में उनका रीयूनियन हो चुका है। और ऐसे में उनका 3D यूनियन जो है ना, या रीयूनियन रेडी है। वो यूनियन करने के लिए बहुत जल्द ही मिलने वाले हैं, जो कि मैं परसों से मैं ये एनर्जीज़ जो है पिक कर रही हूँ कि उनका 3D में यूनियन होने वाला है। और उस यूनियन के बाद में बहुत सारे मिरेकल्स उनको अपने सराउंडिंग्स में देखने को मिलेंगे, और बहुत सारी चीज़ें घटित होंगी। इसके अलावा इसी वजह से जो डिवाइन फेमिनाइन है, उसके जितने भी हेटर्स हैं, जितने भी उसके मतलब विरोधी हैं, जो इस जर्नी के विरोध में हैं, तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा डल करने की कोशिश में लगे हैं। उसकी एनर्जी, उसकी पर्सनालिटी, उसका सब कुछ तहस नहस करने पे लगे हुए हैं, और ये बहुत तेज़ी से हो रहा है। और इसमें कुछ टैरो रीडर्स भी मिले हुए हैं जो उसकी एनर्जीज़ पर वर्क कर रहे हैं, और उसके वो और किसी स्पेशलिस्ट के थ्रू ब्लैक मैजिक भी कराया जा रहा है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि वो ब्लैक मैजिक इफ़ेक्ट तो करते हैं, जो जब डीएफ की तरफ वो ब्लैक मैजिक्स आते हैं तो डीएफ का ऑरा थोड़ा सा विचलित हो जाता है, वो डिफेंसिव मोड में आ जाती है, बट वो उस एनर्जीज़ को समझ रही है। और इससे क्या हो रहा है कि जो ब्लैक मैजिक का जो पूरा इफ़ेक्ट है वो डीएफ पर नहीं पड़ पा रहा है, जो कि मैं अभी सेंस कर पा रही हूँ। मेरे पे भी बहुत बुरी तरीके से हो रहा है, और ये फुल मून से लगातार चल ही रहा है, प्रोसेस चल रही है, और ये मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। और जो लोग भी कर रहे हैं, मैं जान रही हूँ कि कौन लोग कर रहे हैं, ये भी मैं बहुत अच्छी तरीके से जान रही हूँ। तो मैं उनको फिर से आखिरी अपनी तरफ से हिदायत दे रही हूँ, या फिर उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप ये सब काम मत कीजिए। आप
आज ये करके कुछ छोटा सा लाभ ज़रूर पा सकते हैं, हो सकता है कि आपको वो लाभ मिल जाए, लेकिन उसकी जो भरपाई है आपको बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। मैंने हमेशा से अपनी लाइफ में एक चीज़ ज़रूर देखी है, वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरे साथ बुरा करने वाले का अंजाम बहुत बुरा होता है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात बोल रही हूँ, चाहे वो किसी भी रूप में हो, लेकिन होता ज़रूर है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक किस्सा सुना देना चाहती हूँ ताकि आपको ये चीज़ें पता चल जाए। एक बार की बात है, 12th क्लास में थी मैं, जो भी मेरी वीडियो देखेगा ना, और उस तक ये वीडियो अगर पहुंच गई तो वो खुद समझ जाएगी कि मैं उसकी ही बात कर रही हूँ। तो 12th क्लास में इंग्लिश की जो क्लासेस हुआ करती थी बहुत ही रेयर हुआ करती थी, तो फिर उस वक्त मैंने 2 महीने के लिए ट्यूशन ली थी इंग्लिश की। तो मैं ट्यूशन क्लासेस में जाती थी, तो एक दिन मैं किसी पर्टिकुलर इंसान की सीट पे बैठ गई और मैं तो यूं ही बैठ गई थी क्योंकि जगह नहीं मिल रही थी, तो मैं बैठ गई थी। हालांकि मैं भी अपनी क्लास की अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, मेरे टीचर्स मुझे बहुत प्यार करती थी और आज भी वो मुझे प्यार करती हैं। मुझे इतना मालूम है और इतना यकीन है कि मेरी टीचर्स मुझे आज भी उतना ही प्यार करती हैं। तो मैं बैठ गई, तो बाद में उसको किसी ने बताया कि पूजा तुम्हारी सीट पे बैठी हुई थी। उसने बहुत भला बुरा मुझे कहा। मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि पूजा तुम्हें उस लड़की ने बहुत गलत गलत शब्द बोले हैं। मैंने कहा क्यों, मैंने क्या किया है? कहा तुम उसकी सीट पे बैठ गई थी। मैंने कहा कि ट्यूशन की फ़ीस जितनी वो देती है उतनी मैं भी देती हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं कम देती हूँ और वो ज़्यादा देती है, तो फिर ये बातें क्यों? हालांकि वो लोग लोकल की थी तो टीचर्स के लिए ढेर सारी चीज़ें भी लाया करते, तो उनकी चहेती थी और मैं दूर से थोड़ा आती थी, बस से आती थी, तो मैं उतना नहीं कर पाती थी। और मुझे, सच बात बताऊं कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं कि नंबर बढ़वाने के लिए या फिर टीचर्स के प्रिय बनने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़े। इज़्ज़त देना अच्छी बात है, इज़्ज़त दीजिए, आप टीचर्स का सम्मान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देख करके अगर आप किसी टीचर को खुश कर रहे हो तो वो गलत है। तो फिर हालांकि मेरे वो टीचर बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं है, और वो इस बात को नहीं समझते थे कि ऐसा कुछ इन लोगों के माइंड में खिचड़ी पकती है। तो फिर मैंने उनकी बातें सुनी, अपनी फ्रेंड्स की बातें सुनी, तो मेरा दिमाग ठनक गया। मैंने कहा लोग इस हद तक सोच सकते हैं, ये मुझे नहीं मालूम था। मैंने अपनी टीचर से कही, मैं उनसे अपनी सारी बातें शेयर कर लिया करती थी। वो मेरी बहुत ही फेवरेट टीचर है, आज भी है, मेरी गीता मैम, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, आई लव यू गीता दी, मैं दी कहती थी उनको। तो उन्होंने मुझे समझाया, पूजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अच्छी हो और हमेशा अच्छी रहो, और जिन्होंने ये बात कही है वो मुँह की खाएंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे क्लास में बहुत र्यूमर्स थी कि वो फर्स्ट आएगी और बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। मैं जब पढ़ा करती थी तो मुझसे बोलती थी, सेकेंड ही आओगी, चाहे जितना भी पढ़ लो सेकेंड ही आओगी। मैं कहती थी वो तो वक्त बताएगा कि कौन क्या आता है, अभी कुछ नहीं बोलूँगी। आपको यकीन नहीं होगा,
मेरी तबीयत भी खराब हुई, मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, मेरा पेपर एक मिस होते होते बचा। इन सारी समस्याओं के बावजूद मैं फर्स्ट आई थी और वो सेकंड। 12 नंबर से उनकी फर्स्ट डिवीज़न रुक गई थी और मेरी इतनी समस्याओं के बावजूद भी ईश्वर ने मुझे फर्स्ट रैंक दी थी। और अगर ये सारी समस्याएं ना होती तो हो सकता है मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप भी करती। बट कहते हैं ना कि आपके नसीब में जितना होता है आपको उतना मिलता है, पर मैं उतने में भी बहुत खुश हूँ कि ईश्वर ने मेरी जीत की, सच्चाई की जीत की। एक अच्छे इंसान की जीत होना बहुत ज़रूरी है, तभी पता चलता है कि अच्छाई इस युग में भी है, वरना कोई वैल्यू नहीं करेगा। अच्छाई की वैल्यू तभी होती है जब उसकी जीत होती है। तो दोस्तों, मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ, जिसे पूरा स्कूल नाच करता था कि उसके आगे कोई नहीं है, क्योंकि वो हर चीज़ को मैं बोलना नहीं चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे दिल में उसके लिए अब कोई ग्रजेज नहीं है। मैं कोई हीन भावना नहीं रखती, ना ही कोई नफ़रत की भावना रखती हूँ, किसी भी तरीके की कोई भावना नहीं है। लेकिन किस्सा आया तो मैंने सोचा कि बताना ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो मेरे लिए इस तरीके की सोच रखते हैं, ना रखे। और भी बहुत सारे किस्से हैं, ठीक है, मैं अपनी ही बात नहीं कर रही, हर उस अच्छे इंसान के लिए कह रही हूँ जिसके साथ अगर आप बुरा करोगे, गलत नीति अपना करके आप अपना अच्छा करना चाहोगे किसी के साथ बुरा करके, तो ईश्वर आपको माफ़ नहीं करेगा। तो बस इतना ही कहना था। तो अच्छे बनिए, मैं भी अच्छा बनना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं और अच्छी बनूँ, मेरे अंदर की जितनी भी अवगुण है वो सारे रिलीज हो जाए और ईश्वर मेरे अंदर की सात्विकता, सकारात्मकता बनाए रखे। और जितनी भी नकारात्मकता मेरे दिल में, मेरे मस्तिष्क में, मेरी आत्मा में विराजमान हो वो रिलीज हो जाए। मैं हर दिन ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से प्रार्थना कीजिए, कुछ पल के लाभ के लिए किसी का अहित मत कीजिए, कुछ नहीं मिलेगा इससे। तो इस वक्त की एनर्जीज पे बात चल रही थी और मैंने एक स्टोरी, अपने जीवन का किस्सा सुना दिया, ज़रूरी था सुनाना तो सुनाया। आई होप आप लोगों को इस बात से कुछ क्लैरिटी मिलेगी कि किसी के साथ बुरा करके हम अपना अच्छा कभी नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे विचार रखिए, दूसरों के जीवन में भी अच्छा अच्छा ही देने की कोशिश कीजिए। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी और मैं अभी करती हूँ कि गलत बात का विरोध करना भी आना चाहिए। ईश्वर ने खुद भी कहा है कि गलत बात को सहना अच्छी बात नहीं है। जहाँ पर आपको लगता है कि वो इंसान गलत है तो उसका विरोध कीजिए, वो न्याय में ही शामिल है। तो दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अभी मैं जाती हूँ और आपको, आप लोगों को ढेर सारा प्यार देती हूँ। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कुछ डिवाइन फेमिनाइन के थ्रोट चक्रा में ब्लॉकिंग सा फील हो रहा हो, ब्लॉकेजेस हो रही हो, गले में खिचखिच, गला रुंधा रुंधा सा फील हो रहा हो,
और उनको नींद सी महसूस हो रही हो, तो ये सारी एनर्जी जो है ना डीएम की है। और हाँ, एक प्यारा सा गाना जो है ना वो भी मुझे चैनल हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना उस गाने को भी आप तक पहुंचाया जाए। तो वो गाना है, उसकी कुछ लाइनें जो है ना वो पॉपअप हो रही है। तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में छुपाया है बरसों से ये राज दिल में। तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में छुपाया है बरसों से ये राज दिल। तुम्हारी बढ़ा दी है तुमने ये मेरी बेकरारी, ओ आज कहना जरूरी है, आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। बड़ी मुश्किल ये दूरी है, बड़ी मुश्किल ये कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, मैं बाथरूम सिंगर हूँ बस। तो आप लोग डाइजेस्ट कर लीजिएगा इस गाने को, लेकिन साथ ही साथ इस गाने को आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये आपके डीएम की इस वक्त की करंट एनर्जीज है। सो गाइज, लव यू गाइज, टेक केयर, खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।